Hey guys, welcome back to my blog. I hope you all are well. और एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। ऐसे आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, बिकॉज आज मैं आया हूँ हैदराबाद का एक और खूबसूरत जगह जिसका नाम है मिनी तिरुपति बालाजी, जो कि बंजारा हिल में है एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। सो ये सेम टू सेम तिरुपति बालाजी मंदिर के जैसा है। सो अगर आपको यहाँ पर आना है तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत खूबसूरत मंदिर है। सेम टू सेम तिरुपति बालाजी के जैसे मंदिर बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम है मिनी तिरुपति बालाजी। सो वीडियो को पूरा देखना, आपको भी आइडिया मिलेगा, सो दैट आप भी यहाँ पे कभी विजिट करोगे तो मेरा वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सो चलते हैं फटाफट अंदर, भगवान का दर्शन करते हैं एंड आपको भी भगवान का दर्शन कराते हैं। और आज है 7 मार्च, एक दिन और बचा हुआ है महाशिवरात्रि के लिए। सो वी आर वेरी लकी कि आज हम लोग को यहाँ पे तिरुपति बालाजी का दर्शन करने को मिलेगा। तो चलते फटाफट अंदर। और ये मंदिर का मुख्य द्वार जहाँ से सभी लोग प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर बालाजी का दर्शन करने के लिए। वैसे मंदिर को काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है, बिकॉज कल महाशिवरात्रि है। सो आज मंदिर को फूलों से और लाइटों से सजाया जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मंदिर। वैसे मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे है, सो आप यहाँ पे जैसे आते हो तो यहाँ से आपको व्यू बहुत ही दिखने को मिलेगा एंड काफ़ी सुंदर सुंदर व्यू है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस मंदिर में जैसे ही आप प्रवेश करोगे आपको बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून मिलेगा और काफ़ी ठंडा हवा बहता है इस मंदिर पे। सो आप आओगे तो आपको टाइम का पता नहीं चल। और ये हैं भगवान विष्णु जी, जो कि बालाजी के रूप में यहाँ विराजमान हैं, जिनकी पूजा हो रही है। वैसे मंदिर में फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ अलाउ नहीं है, फिर भी मैंने चुपके से थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया। सो गाइज अभी संध्या आरती होने जा रही है और भगवान की पूजा होगी। वैसे मंदिर के अंदर पूरा फूलों से सजा दिया गया था एंड बहुत ही खूबसूरत मंदिर लग रहा था। सो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने द मोस्ट पावरफुल भगवान हनुमान जी के पास, जो कि मुख्य द्वार के पास ही उनका मंदिर है एंड बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और यह पुष्करणी नदी, जो कि बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। ऐसा कहते हैं कि ये भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श करती है। सो दर्शन करने से पहले भक्त लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग अपने प्रथम पूजनीय गणेश भगवान का दर्शन करने के लिए। वैसे यहाँ इन्हें महागणेश के रूप में पूजा किया जाता है और यहाँ के प्रसाद को देसी घी में बनाया जाता है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है। वैसे मंदिर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया, इतना सुंदर लग रहा था मंदिर। मैं 4 बजे मंदिर गया था और देखते देखते कब 9 बज गए मुझे पता भी नहीं चला, इतना सुकून मिला मुझे वहाँ पर। सो गाइज फाइनली दर्शन हो चुका है एंड बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला यहाँ पे आके। एक बार नहीं, 2-2 बार मैंने दर्शन किया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कहीं से भी हो, एक बार ज़रूर आना हैदराबाद और दर्शन ज़रूर करना मिनी तिरुपति बालाजी का। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।